Hello everyone, I am Aditya and welcome to BHU Pathshala. In this new series, I will be discussing important MCQs for the law admission test such as DU LLB, BHU BALLB, LLB as well as Jamia Millia Islamia BLLB and various other law entrance exams. So I will be starting with 10 questions in this video and afterwards I will increase the number of the questions in the upcoming videos. अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जिसमें इंडियन पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. आफ्टरवर्ड्स इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल बी कवरिंग अदर सेक्शंस एज वेल सच एज लॉ ऑफ टॉर्ट्स आईपीसी सीआरपीसी देन अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर सेक्शंस एज वेल. सो विदाउट एनी हैविंग फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट इट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. एक चीज़ मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा हुआ है. सो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे. सो पहला क्वेश्चन हमने देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. ऑप्शंस देखते हैं, टू डिफेंड द कंट्री, उसके बाद ऑप्शन है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर. मुझे उम्मीद है आप सब को पता चल गया होगा. अभी भी थोड़ा इजी क्वेश्चन ही है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी द फोर्थ वन, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस. अब देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है. अब फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल ड्यूटी कैसे ऐड करी गई थी. देखिए 1976 में ये ऐड करी गई थी. और ये कैसे ऐड किया गया था, तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था. सो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अब देखिए पार्ट फोर में है, ये कहाँ पे है आपका जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है ये कहाँ पे आपके पार्ट फोर में है. ठीक है, अब देखिए पार्ट फोर में है लेकिन इसमें कहाँ है, पार्ट फोर के सबसेक्शन ए में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. पार्ट फोर में क्या आपका फंडामेंटल, सॉरी जो पार्ट फोर में क्या है आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, बट पार्ट फोर ए में क्या है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. सो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनॉग्रेट स्टेट लेवल ई लोक अदालत. सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहां पर राज्य स्तरीय जो है ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है या फिर कह लीजिए कि उसकी प्रारंभ की गई है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट. उसके पहले हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़. सो द करेक्ट आंसर वुड बी छत्तीसगढ़. अब ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी फैक्ट देख लेते हैं. तो ये 11 जून 2020 को ये जो है वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था. अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है, दैट इज़ बिलासपुर हाई कोर्ट. एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आता है कि छत्तीसगढ़ की हमारी कैपिटल क्या है, दैट इज़ रायपुर. ठीक है, दैट इज़ रायपुर. बट अगेन इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ के कन्फ्यूज करे जाते हैं. लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल एमपी का हमारा कह सकते हैं कि कैपिटल कहाँ पे है, एमपी का मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है, दैट इज़. देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको यहाँ पे ब्रेक देता हूँ. यहाँ पे बहुत सी कन्फ्यूजन होती है. ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि यहाँ का एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है. आप दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसके बाद मैं अगले वीडियो में इसको क्लैरिफाई भी करूँगा. यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं. सो चलिए आप मुझे कैपिटल ही बताइएगा, मैं बहुत आपको इजी क्वेश्चन देता हूँ. लेकिन मैं आपको हाई कोर्ट अभी बता देता हूँ. तो हाई कोर्ट कहाँ पे है, दैट इज़ इन जबलपुर. ठीक है, ये कहाँ पे है, जबलपुर में है. लेकिन आप मुझे बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, अपना जो है कैपिटल मुझे आप बताएंगे यहाँ पे, दैट इज़ ये कि मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है, एट प्रेजेंट उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, और आप उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि गवर्नर भी कौन है. ये सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. अब देखिए ये प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है. हम अपने पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे. इट कैन बी अमेंडेड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे. अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं. बोथ ए एंड बी, ए एंड सॉरी बोथ वन एंड टू, देन अगेन नाइदर वन नॉट टू. सो व्हाट विद द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इसके क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू.
अब थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं कि आखिर क्यों वन एंड टू करेक्ट है। देखिए जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड एज वेल एज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट इज़ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये इसका 1973 में इसका जजमेंट आया था, एंड अगेन इट वॉज वर्सेज हुम, सो ये किसके अगेंस्ट में था, तो केशवानंद भारती केस जो है वो वर्सेज स्टेट ऑफ केरला था, ठीक है, और ये 1973 में इसका जजमेंट आया था। सो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि जो प्रीएम्बल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और ये अमेंडेबल भी है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। वो अमेंडमेंट कैसे की जाएगी, तो वो आर्टिकल 368, ठीक है, 368 जो है जिसमें पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अमेंडमेंट करने के लिए, उसके थ्रू जो है वो प्रीएम्बल में भी अपने अमेंडमेंट कर सकती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, और इससे रिलेटेड कुछ और भी केसेस हैं, जैसे आपका रिबरी वर्सेस यूनियन जो केस आता है, उसके बाद फिर आपका ये गोलकनाथ केस आता है जो कि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, फिर ये जो आपका रिबरी जो यूनियन केस है, दैट इज़ ये कब है, तो ये 1960 में आया था, ठीक है। और उसके बाद फिर ये केस का जजमेंट आया था उस टाइम पे, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जहाँ पे आपको थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में चीज़ें क्लियर थोड़ी नहीं हो पाती, बट अगेन आपकी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल बेसिस पे क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर स्टेट काउंसिल इज चेयर्ड बाई, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, या जो बैठक होती है, या फिर आप ये समझिए कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, उससे पहले अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, होम मिनिस्टर, देन अगेन चीफ मिनिस्टर्स, देन अगेन प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, करेक्ट आंसर वुड बी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसके चेयर यानी कि अध्यक्षता करते हैं, उसके उसकी जो भी बैठक होती है, जो काउंसिल होती है उसके चेयर कौन करता है, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो वो दैट इज़ आर्टिकल 263। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 28th ऑफ मई, दैट इज़ 1990 में हुई थी। अब देखिए इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है, देखिए वो कमेटी है उसका नाम है सरकारिया कमेटी, ठीक है, सरकारिया कमेटी। सो जो सरकारिया कमीशन था दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, सो आप इसको बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। सो ये केसेस हैं, उसके बाद ये कमीशन है, दैट इज़ सरकारिया कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किससे रिलेटेड है, दैट इज़ इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है अपने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार जो है वो पूछ लिए जाते हैं आपके लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स में, और स्पेसिफिकली ये जो कमिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, इनसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल बन ही जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको अपीयर होता हुआ दिख जाएगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्कोरिंग जोन भी होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन्स चॉइस, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति से शादी कर सकता है, उसकी बात की जा रही है, यह जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, देन अगेन आर्टिकल 14। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, द करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड बी 21। अब ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी और इसके साथ साथ लाइफ, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात यहाँ पे की जाती है, वो कहाँ की जाती है, दैट इज़ आर्टिकल 21 में की जाती है। अगेन आर्टिकल 19 को देखते हैं, तो आर्टिकल 19 में क्या है, यहाँ पे आपका है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एट्सेट्रा, और यहीं पे आपको अपने 6 फ्रीडम्स भी दिख जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, आर्टिकल 19 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। अब आते हैं अपने आर्टिकल 25 पे, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि दैट इज़ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म से रिलेटेड बातें की गई हुई हैं, और आपको यहीं पे जो है आर्टिकल 25 के आप जब आएंगे क्लॉज 2 में, तो वहीं पे आपको हिंदू टर्म भी आपको मिलता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ हिंदू से मतलब क्या होता है, आप उसको जाके बिल्कुल पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको बस इन जनरल वे में बता देता हूँ कि जैसे जो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, सॉरी जो मुस्लिम्स नहीं हैं उसमें,
और उसका रिलेशन आपको वहाँ से 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है वहाँ से भी आपको दिखेगा, ठीक है। तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इफ़ पॉसिबल तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। इससे क्या होगा, चीज़ें जो है वो बिल्कुल इंटरेक्टिव रहेंगी, आपके हम सभी साथ जो है चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। सो अगला ऑप्शन देखते हैं, दैट इज़ आर्टिकल ये 14 है हमारा। तो आर्टिकल 14 सिंपली बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, ठीक है। किसकी बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ये क्या है, राइट टू रिलीजन भी इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये था पूरा सिनेरियो, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी लॉ मेड बाई स्टेट टेक्स अवे और एब्रिजेज द राइट्स कन्फर्ड बाई पार्ट 3 शैल बी। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। वॉय टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रवेंशन, वॉय टू द एक्सटेंट ऑफ द अवॉइडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रवेंशन, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 or 2। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, फर्स्ट वन, वॉय टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रवेंशन, ठीक है। अब आपको इसका रेफरेंस कहाँ पर मिलेगा, आप जब आर्टिकल 13 में जाएंगे, जब आप आर्टिकल 13 के सब के आप क्लॉज 2 में जाएंगे, एट देयर यू विल फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड स्टेटमेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको आर्टिकल कौन सा देखना होगा, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 आपको वहाँ पर देखना होगा। सो अगेन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कल्याणकारी राज्य है यानी कि वेलफेयर स्टेट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है, या कह सकते हैं कि हम इसको कहाँ देखते हैं। तो सो द करेक्ट आंसर वुड बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम ये देख सकते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि ये किस आर्टिकल में है। तो दैट इज़ आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में है, और उसी के साथ साथ ये किस पार्ट में है, दैट इज़ पार्ट 4, ठीक है। कौन सा पार्ट है, दैट इज़ पार्ट 4, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, दैट इज़ पार्ट 4। सो सिंपली लिखते हैं इसे हम, दैट इज़ पार्ट 4, ठीक है। अब देखिए, अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी देख लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये किस केस में दिया गया था, तो दैट वॉज गिवन इन द केस, इन केस ऑफ केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती केस में जो है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक डॉक्ट्रिन है उसको दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट वॉज इन 1973 समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट ऑल। सो ये था पूरा सिनेरियो। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 1973 है, इफ़ इट इज़ 1973 ओनली देन प्लीज़ यहाँ पे आप जो है कि जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको मेंशन करेंगे। एज मच एज आई कैन रिमेंबर ये 1973 ही था। सो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं, तो ये कौन से पार्ट में है, दैट इज़ पार्ट 3, कौन से पार्ट में है, दैट इज़ पार्ट 3, और आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक की चीज़ें हैं, ये क्या है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस करा हुआ है, और प्रीएम्बल के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि आप नानी पालकीवाला को ले सकते हैं, एक रिनाउंड जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है। उसके बाद देखिए, आप मतलब अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से अपने मतलब इसके कमेंट दिए हैं कि प्रीएम्बल जो है, ओवरऑल प्रीएम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और इंडिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं हमेशा, तो आप इसको बिल्कुल कवर करेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम डायरेक्ट देखते हैं, उससे पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं, 10, 11, देन 12, देन 13। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 11, ठीक है। कितने अपने यहाँ जो है कि कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो कितने हैं, दैट इज़ 11। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले कितने थे, दैट वॉज 10, ठीक है। अब देखिए 11 कब हुए हैं, तो ये 11 हुआ है 2002 में। अब ये 2002 में कैसे हुआ है, तो दैट वॉज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये 11 हो गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो 1976 में ऐड करी गई थी, और वो कौन सा अमेंडमेंट था, तो दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ आप एक तरीके से आपको एक ट्रिक भी दिख सकता है, 4 + 2 क्या होगा आपका, 6 हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे 6 है यूनिट प्लेस पे, तो आप इसको ऐसे
आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है, क्या कुछ चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी ओवरऑल। और जो 11th जो ऐड हुआ था फंडामेंटलिटी, उसमें क्या है कि जो भी गार्जियन होगा या फिर जो भी पेरेंट है वो अपने वार्ड को या फिर अपने चाइल्ड को जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएगा, वो उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, वो एक तरीके से नैतिक कर्तव्य है या नैतिक दायित्व है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा 9th क्वेश्चन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ वाइडर दैन द हाई कोर्ट, द स्टेटमेंट इज़। अब हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, इनकरेक्ट, ओनली इन सम केसेज, बोथ हैव द सेम ज्यूरिसडिक्शन। सो देखिए, जो ये कह सकते हैं कि जो ये मतलब जो ये स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, दैट इज़ कि जो मतलब जो यहाँ पे आप अगर डिस्कस करेंगे तो हाई कोर्ट को जो कह सकते हैं कि पावर है वो रिट इशू करने की कौन से आर्टिकल में है, दैट इज़ आर्टिकल 226 में, 226 में। और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ उसको किस आर्टिकल में है, तो वो पावर है आर्टिकल 32 में, ठीक है। ये सारे सिनेरियो आपको बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। अब देखिए, अब जो ओवरऑल पूरे रिट कितने हैं तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल कितने रिट्स हैं, देर आर 5 रिट्स। कौन कौन से हैं, आपके हैबियस कॉर्पस है, देन अगेन यू हैव मैंडमस इज एट देयर, देन आपके पास क्वा वारंटो हैं, उसके बाद आपके पास क्या है दैट इज़ सर्टररी रिट है, उसके बाद आपके पास क्या है दैट इज़ प्रोहिबिशन रिट है। ओवरऑल आपके ये 5 हो गए, ठीक है। सो ये पूरे रिट्स हैं, आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आप सब जानते भी होंगे। जस्टिस नुथलपति वेंकटरमन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी ये कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, आई होप आप सब जानते भी होंगे, 48th। और एक चीज़ इनसे इम्पॉर्टेंट ये है, जस्टिस एन वी रमन से, कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, ये हमारे पहले वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड इट। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप उसको रखिए, आई विल बी वेरी मच ग्लैड कि आप मुझे सजेशंस या फिर जो भी आपके फीडबैक्स होंगे वो आप तक वो आप हम तक पहुंचाएंगे। तो दिस वाज ऑल, उसी के साथ साथ आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे, आपके प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे चल रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, डू लाइक एंड डू शेयर एज वेल।